जनपद पंचायत बारा सिवनी के सभागृह में ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल शामिल हुए, जिसके तहत जनपद पंचायत का बारा सिवनी विकास खंड के अंतर्गत 150 फुटकर विक्रेताओं जिनके कोरोना काल के दौरान व्यापार पूरी तरह चौपट हो गए, ऐसे हितग्राहियों को पात्रता पर्ची कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री प्रदीप जायसवाल के द्वारा प्रदान की गई, जिसके तहत इन्हें 10,000 रुपए तक बिना ब्याज ऋण मिलेगा। ये राशि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ऑनलाइन सीधे खाते में डाली जाएगी, जिसके तहत फुटकर विक्रेता फिर से अपना व्यापार पुनः प्रारंभ कर सकेंगे। वहीं जनपद पंचायत बारा सिवनी विकास खंड के तहत 478 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 150 लोगों को पंचायत द्वारा परीक्षण किए जाने के बाद बैंक द्वारा 150 फुटकर विक्रेताओं को पात्र किया गया है, जिन्हें पात्रता पर्ची सौंपी गई है। वहीं बाकी बचे विक्रेताओं के परीक्षण का कार्य प्रारंभ है, जिन्हें जल्द ही लाभ प्राप्त होगा। ऐसे सारे लोग समाज करते थे, जैसे कि आपने देखा कि कोरोना सारे लोग मतलब चपट हो गए, बसें बंद हो गई, गाड़ियाँ बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गई, हवाई चल गया, उसके कारण हमारे सारे लोग मतलब बेकार हो गए। और कोरोना के लॉकडाउन के चक्कर में सारी दुकानें हमारे छोटी छोटी दुकानें थी, वो सारी बंद हो गई, लोगों को धंधा पानी बंद करना पड़ा और उसी तरह से बहुत मुश्किल से अपनी जरूरत को चला। हम लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया कोरोना मरने के माध्यम से, ऐसे सारे